एक दूजे के वास्ते बंटी और कंचन क्या बात कर रहा है श्रवण सही बता अब सबको ऐसे झटका क्यों लग रहा है जैसे कोई मैंने नहीं लगी झटका वटका हो गई तसल्ली आपको मैंने तो पहले ही बताया था आपको भाभी आपको क्या बंटी और कंचन के बारे में पहले से पता था आपने फिर कुछ नहीं मतलब वो होता है ना कि कभी कभी अंदर से आवाज आती है कुछ कुछ की ऐसा कुछ है वैसे ही आजकल जितनी भी सनसनी ब्रेकिंग न्यूज है ना वो मुझे कविता जी से पता चल जाती है सीरियसली बंटी और कंचन और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग ज्यादा रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो लेकिन अपनी रिएक्ट करना ही क्यों है बंटी में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि सबको रिएक्ट करना पड़ेगा भैया प्रॉब्लम ना सही पर बहुत सारे डिफरेंसेस तो है और आप बंटी के फ्रेंड है तो हो सकता है कि आपको फर्क नहीं दिख रहा हो पर हम सबको तो साफ दिख रहा है ना अपनी जब दो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते ना तो उन्हें डिफरेंसेस और फर्क दिखाई देते हैं लेकिन प्यार के साथ साथ सारे डिफरेंसेस भी मिट जाते हैं और अवनी प्यार में ये सब हिसाब किताब वगैरह नहीं होता बंटी और कंचन अब बड़े हो गए मानता हूँ कि दोनों में फर्क है पर दोनों समझदार है शादी का फैसला कुछ सोच के लिया होगा ना शादी करने का भी सोच रहे हैं जी पापा इनफैक्ट बंटी और कंचा चाहते हैं कि बंटी का रिश्ता हम लेकर जाएं चाचा चाची के पास हाँ मैंने तो कभी नहीं देखा बंटी के पापा मम्मी को कि अपने पुत्र की खबर ले अकेला है बेचारा हम सब में अपने परिवार को ढूंढता है मम्मा अब हम सभी तो उसकी फैमिली है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं और सुमन जाके चाचा चाची से बात करें बेटा तुम कहो तो हम भी साथ में चल सकते हैं नहीं नहीं पापा एक्चुअली बंटी के लिए हम ही बात करेंगे ओके ये सही है अवनी आयान के बाद अब बंटी और कंचन का नंबर हमारे घर में तो जैसे शादी की बहार सी लग गई है ना भाई साहब लेट हो रहा है कैंट के लिए निकलते हैं मैं चलता हूँ पापा ओके बेटा बंटी इतनी देर चुप कुछ नहीं है कहने को अरे जब सब अजीब ही लग रही हो तो कोई क्या ही कहेगा ना कंचन क्या ना हम सोच रही है नहीं नहीं हम सोच समझ रही है पर हम जो भी सोच समझ रही है ना वो सब गलत लग रही है और पता नहीं वो नर्वस आ गए हम क्योंकि हम ये सोच रही है कि जब हम तुम्हारे घर पर आएंगे तो हमको कुछ लेकर आना चाहिए ना या जे जे कपड़े में आएंगे अच्छा लगेगा कुछ और पहन के आते या हम बात कैसे कहेंगे उनके साथ हम कुछ अलग ये कौन सा बंटी है जरा सी बात पे इतना नर्वस हो गया है प्यार मैंने उस बंटी से किया है जो जैसा भी है खुश है तुम्हें किसी के लिए भी बदलने की जरूरत नहीं है बंटी ओके नर्वसनेस में भी इतने क्यूट लग रहे हो पहली बार देखा तुम्हें एक बात बताए कंचा जब से तुम हमें मिली हो ना हमको ना हर चीज से डर लगता है क्योंकि अब तुम ही तो हो हमारे पास खो नहीं सकते हम तुमको डर बिल्कुल निकाल दो मन से क्योंकि मैं कहीं नहीं खो रही हूँ मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बंटी हम भी इसीलिए ना अब से माता रानी से बस जे ही मांग रही कि आज जो भी हमने सोचा है जो भी हमने समझा है वो सही सलामत जाए बस तुमने हमारे दो वकील देखे श्रवण और सुमन तुम्हें लगता है वो हमें हारने देंगे नहीं ना चांस ही नहीं है अब चले वैसे आई लव यू बोलने के बाद आज हम पहली बार मिल रहे हैं कोई गिफ्ट नहीं लाए मेरे लिए अच्छा तुमने तो कुछ बताया नहीं कि हमको कोई तोहफा लाना है और बंटी टांग खींच रही हूँ मैं तुम्हारी चलो एक मिनट
I love you. फिर से. I love you too. चले अब. सब कुछ ठीक तो है ना मैम? सब कुछ ठीक है कैप्टन बसी. बस थोड़ा सा चेंज अपने लाइफस्टाइल और डाइट में लाइए और कप को खुद बिक जाएगा. मैम कोशिश पूरी रहेगी. थैंक यू मैम. नेक्स्ट आइए प्लीज बैठिए. आप कुछ लेकर या कर तो नहीं आया ना? एक्सरसाइज, सिगरेट या शराब? नहीं पर आप प्लीज चुप रहिए कुछ देर के लिए. आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 75. इट्स गुड. क्या कहा? गुड. खूबसूरत डॉक्टर को देखकर भी गड़बड़ाया नहीं. सरासर नाइंसाफी है मेरे साथ. नाइंसाफी नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल है मेजर श्रवण मल्होत्रा. आप जा सकते हैं. नॉर्मल बोल के दिल तोड़ने वाले डॉक्टर. एक मिनट. ये दवाई लेकर जाइए, क्या पता इससे आपको आराम मिले. दीजिए. आई नो आपका काम बहुत हेक्टिक है, पर जब भी मौका मिले आप अपनी वाइफ को डेट पर लेकर जाइए. इससे आपका ब्लड प्रेशर ही नहीं पूरी सेहत भी ठीक रहेगी. डन. मैं बंटी का काम निपटा देता हूँ आज, फिर साथ में सेलिब्रेशन करते हैं. श्रवण मेरे स्टाइल वाली डेट तुम सब भूल गए ना? यार बंटी तू तो जानता है ना मैं कब से चाहता था कि ये हो. फाइनली वो दिन आ गया यार, सुमो के साथ मेरी पहली डेट. सब कुछ ना एकदम परफेक्ट होना चाहिए. तुझे पता मैं क्या सोच रहा हूँ? क्यों उसे ना कोई क्लासी टाइप महंगी वाली जगह लेके जाता हूँ. क्या वो सुन बंटी, मैं ना तुझे बाद में फोन करता हूँ. चल भाई. हाँ तू कोई आइडिया सोचा? चल भाई. मैं मानता हूँ कि तुम्हें आर्मी में जाना है, पर ये डेयरिंग एडवेंचर. और यहाँ कैसे? हम तो डेट पे जा रहे हैं. पता है. तो वही तो. यहाँ क्यों? मैंने तो सोचा था कि कोई अच्छी सी क्लासी वाली जगह पे जाके. श्रवण मेरे लिए डेट पर सिर्फ दो चीजें मैटर करती हैं, कि किसके साथ हूँ और खाने में क्या. इसलिए बाहर जाकर टाइम वेस्ट क्यों करना जब हम यहीं पर पिज्जा खा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं. ये है मेरी वाली डेट. अब से हमारी वाली डेट. आसान हुई मुश्किल, हम जो मिले गुल खिल गए पतझड़ों में बहार से. मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते. हमारी वाली डेट. मैं तुम्हारा फेवरेट पिज्जा ऑर्डर करके रखूंगा, तुम घर आओ, सब रेडी मिलेगा. परफेक्ट. हमारी वाली डेट. कंचन तू क्या जानबूझकर ऐसा करती है कि हर बात सबसे आखिरी में अपने माँ बाप को बताती है? नहीं आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैंने पूरे भोपाल में ढिंडोरा पीट दिया हो. जब मुझे पता चलेगा तभी आपको बता पाऊंगी ना. अच्छा ठीक है, अब तो खुल के बता कौन है लड़का, क्या करता है, उसके परिवार में कौन कौन है. पापा
सुन के कोई ओपिनियन बनाने से बेटर है कि जब लड़का थोड़ी देर में आ जाएगा आप खुद जान लो। सुन लीजिए, लड़के को बुला लिया गया है इसीलिए हमें बताया जा रहा है ना? मैं देखता हूँ। नमस्ते अंकल जी। हेलो। अरे वाह, देखो बीना सुमन आई। सुमन बेटा तू बिल्कुल सही समय पर आई है। अगर तू सुनेगी ना कि तेरी बहन कंचन ने क्या किया है तो इसने किसी लड़के को बुला लिया है आज हमसे मिलवाने के लिए घर पर। और वो लड़का क्या करता है, उसके आगे पीछे कौन है, वो कुछ भी नहीं बता रही हमें। इस तुझसे कोई बात की? हाँ चाची, एक्चुअली वो लड़का हमारे साथ ही है। वो लड़का बंटी है। ये थोड़ा हम लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड है। वो चाचू मैं समझती हूँ, लेकिन मैं बस यही कहूंगी कि अगर आप कंचा की खुशी चाहते हो, कंचा की खुशी बंटी के साथ है। कंचन ने जब मुझे बताया कि वो किसी लड़के को बुला रही है आज घर पर हमसे मिलवाने, तो हमने सोचा कि वो अपने माँ बाप के साथ आएगा हमसे मिलने। लेकिन तुम तो अकेली आ गई, क्या तुम्हारे घर वाले भी नहीं माने? चाची बंटी की फैमिली के हालात ना थोड़े अलग हैं। इसके मम्मी पापा का डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स के बाद इसके पापा ने दूसरी शादी कर ली और फिर भोपाल छोड़कर चले गए, और इसकी मम्मा इसके नानी के घर गाँव चली गई हैं। इसीलिए अब मैं और सुमन आए आप लोगों से बात करने बंटी के लिए, इसकी फैमिली बन के। बेटा श्रवण, तुम बंटी को अपनी फैमिली मानते हो, उसकी फिक्र करते हो, बहुत अच्छी बात। लेकिन मुझे भी अपनी बेटी की चिंता है। लेकिन अब जो तुमसे मैं कहूंगी ना, उसे सुनकर तुम्हें बुरा लगेगा। और अब मैं सीधी सीधी बात कह रही हूं कि बंटी का रिश्ता कंचन के साथ हरगिज़ नहीं हो सकता। पर आंटी क्या हम वजह जान सकते हैं? वजह? कई वजह है। तुम्हारी खुद की कोई जॉब नहीं है, ना ही तुम्हारा खुद का कोई घर है। अरे ऐसे ही किसी टूटे फूटे किराए के मकान में रहती हो तुम। मैं अपनी बेटी को किसी को भी दे दूंगी। नहीं बस बहुत हो गया, आप मेरी खुशी चाहते हो ना? किसी जॉब या मकान में नहीं है, सान में, बंटी में, और मैं भी तो कमाती हूँ ना। हम दोनों साथ में मिलके अपनी एक लाइफ बना सकते हैं मम्मी। कंचन बेटा वो तो ठीक है, लेकिन श्रवण बेटा बंटी तुम्हारा दोस्त है तो अच्छा ही लड़का होगा, लेकिन हर माँ बाप की तरह हमारी भी यही ख्वाहिश है कि हम अपनी लड़की के लिए वेल सेटल लड़का ढूंढे। अरे हमारी लड़की जब अपने माँ बाप का घर छोड़कर किसी दूसरे नए घर में जाएगी तो वहां कोई तो जो हमारी जगह ले सके, और यहां पर परिवार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक लड़का है। अपनी बेटी की फिक्र करने का अधिकार तो मुझे भी है ना सुमन? जी बिल्कुल है चाची। Thank you.
सुमन तुम्हारी चाची ने तो ना आज तुमने बंटी की शक्ल देखी। यार बंटी के हालात पहले से ही ठीक नहीं, ऊपर से चाची ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना उदास मैंने उसे कभी नहीं देखा आज तक। शवन आई नो कि तुम्हें बंटी की फिक्र है, पर एक बार खुद को चाची की जगह रखकर तो सोचो ना। मतलब शायद वो माँ की जगह सही है। सुमन मैं समझता हूँ चाची की फिक्र, लेकिन जिस तरीके तुमने बंटी के माता पिता की बात की ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। खैर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बंटी की हेल्प करूंगा, मैं उसकी हेल्प करूंगा सेटल होने में। शवन हमारी दीवी मदद उसकी काबिलियत नहीं बता सकती। शवन जब तुमने आर्मी ज्वाइन किया, तुमने अपने आप को प्रूव किया, अपनी काबिलियत बताई। अगर बंटी भी ऐसा कुछ करता है तो हम श्योर चाचा चाची को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका मतलब तुम्हें भी बंटी की काबिलियत पर डाउट है। शवन तुम मेरी हर बात को उल्टा क्यों घुमाते हो? मतलब हर बात उल्टी करनी है तुम्हें? मैं उल्टा करता हूँ चीज को, मैं घुमाता हूँ हर बात को। मैं? हाँ शवन तुम आजकल हर बात को पता नहीं इतना खींचते हो कि मुझे समझ ही नहीं आता। वाह कितनी सफाई से मुझे गलत साबित कर दिया ना तुमने। वैसे करने क्या गई थी तुम वहां पे? मेरे साथ गई थी ना, मेरा साथ देने, चाचा चाची को कन्विंस करने। खुद कन्विंस होके आ गई। एक बात सच कहूं, पंडित तुमने पहले से पसंद नहीं था कंचन के लिए, वहां जाना तो सिर्फ नाटक था ना तुम। नाटक? हाँ सुमन यही तो चाहती थी ना तुम पहले से, और वही हो गया फाइनली, है ना? मुझे हर चीज से ब्रेक चाहिए, मैं थक गई हूँ श्रवण। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ सुमन, इनफैक्ट समझ आया ही अभी है। गलत तो मैं पहले था, मुझे मजाक लग रहा था जब तुमने मुझसे कहा था ना कि बंटी और मेरे जैसे लड़कों से भगवान बचाए लड़कियों को। श्रवण। हाँ सुमन अब समझ आया कि तुम उस बात को लेकर सीरियस थी, और मन ही मन मेरे बारे में यही सोचती हो ना, है ना? You know what, Shaman? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो मैं कौन सा मारा जा रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए? भैया जी ये ऑर्डर आया है जी। रिटर्न कर दो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.